ओके देन, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांत सिंह, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। फिर से क्या बोलता है पब्लिक? लेट द गेम बिगिन। चालू चालू चालू। सो गाइस, कुछ होमवर्क दिया था काफी सारी बच्चों के मेरे पास जवाब आ चुके हैं, जिनके नहीं आए हैं उनको और एक दो वार्निंग मैं दूंगा, फिर वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा आपको लाइव से बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ, और अगर आप गूगल ड्राइव वाले हैं तो भी आपको भेजना है आंसर्स, और अगर आपका आंसर्स नहीं है तो आपके सीरियल की को ब्लॉक भी हम कर सकते हैं, समझे क्या? चलो समझ रहे हो। चलो तो जिस जिसने भी आंसर्स दिया है गुड, कीप इट अप। जिसने भी नहीं दिया है, मेरा ध्यान है एक एक बच्चे के ऊपर, बता रहा हूं मैं आपको। चलो 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 चलो, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब फटाफट अपन क्या करने वाले हैं? यस, इमीडिएटली अपन लोग पहले करने वाले हैं रिवाइज। कल तक कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको डाउट था कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में, जैसे शुभम साहू को डाउट था, विवेक गोयल को डाउट था थोड़ा। आई होप अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक तो आपने खुद से होमवर्क में भी एक बार वो पूरा फॉर्मेट सॉल्व कर लिया होगा, दूसरा आपको होमवर्क दिया था, उस होमवर्क के थ्रू भी आपका एक और बार रिवीजन हो गया होगा। अभी और भी डिटेल में उस फॉर्मेट को डिस्कस करना है, क्योंकि अगर आप मेरा टेक्स्ट बुक देखोगे तो मैंने जैसे कल आपको बताया था कि टेक्स्ट बुक में अभी और काफी सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली वहां से अपन लोग करेंगे, तो उसमें और पॉइंट्स ऐड होंगे, बट देखते हैं, अभी फिलहाल उसका टाइम नहीं है। फिलहाल थोड़ा और सम्स कर लेंगे, थोड़ा और एक ग्रिप ले आएंगे, एंड देन वी विल कैच अप विद दैट एज वेल। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं नाउ। अब सबसे पहले स्टार्ट अपन किससे करेंगे? रिवाइज करने से। तो रिवाइज करने के लिए सबसे पहले अपना फॉर्मेट है ही, तो चलो आओ फॉर्मेट बना लेते हैं अपन लोग कॉस्ट शीट का। प्लीज हेल्प मी इन मेकिंग द फॉर्मेट, एंड देन फिर आज काफी सारे सम्स करने का अपने को मौका मिलने वाला है। तो अभी मैं आप लोग के साथ दो चीजें डिस्कस करने वाला हूं, एक फॉर्मेट और दूसरा जो मैंने कल आप लोग को कुछ तीन चार पॉइंट्स लिखवाए थे, जनरल पॉइंट्स, जैसे कुछ इंक्लूजन वाले पॉइंट थे, फिर बाद में आपका स्टॉक के वैल्यूएशन का पॉइंट था, वो सारी चीजें अभी फटाफट डिस्कस कर लूंगा आपके फॉर्मेट के बाद, एंड देन वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलो स्टार्ट करेंगे गाइस, आइए। तो सबसे पहले क्या है फॉर्मेट? फॉर्मेट में अपना अपन क्या कर रहे हैं? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं? ताकि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रह सके चीजों का, प्लस प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो सके, प्लस अपने पास एक प्रॉपर फॉर्मेट में, इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में पूरा कॉस्ट शीट का एक यू नो वी कैन से एक अवेलेबल हो जाए सारी चीजें अपने पास, राइट? चलो डन। अब इसमें अपन लोग ने कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा था इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक था डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा था इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट और प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट और प्रोडक्शन, जिसको कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्शन से, वो अपना खर्चा उतना होने ही वाला है, और डायरेक्ट कॉस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल अपन लोग ने बाइफर्केशन लिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो बन गया प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट में आया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो बन गया ओवरहेड्स, जिसको फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ऑफिस एंड एडमिन, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एम आई राइट एवरीबॉडी? चलो अभी अगर मैं आप लोग के साथ फटाफट ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डिस्कस करता हूं, क्या साथ दोगे आप लोग मेरा? चलो लेट्स स्टार्ट, फटाफट आप लोग भी लिखते जाओ एंड लेट द गेम बिगिन। सो ये स्टार्ट होता है फॉर्मेट डायरेक्ट कॉस्ट के साथ। इस डायरेक्ट कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है सबसे पहला, सबसे
सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। इस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या आएगा, लेट्स सी। इस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या आएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रदर एड कैरिएज इनवर्ड्स, लेस क्या सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, और एक लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कल एक सम किया था अपन ने जिसमें ये डायरेक्ट मटेरियल का एज इट इज फॉर्मेट यूज हुआ था, सारे के सारे एलिमेंट्स। चलो ठीक है, सो ये मिल गया मेरे को डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, गॉट इट गाइस, डन। ओके, इसके बाद क्या आता है, चलो डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के बाद, सो इधर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, एंड तीसरा है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों को मिला के क्या बनता है मेरा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अपन क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, याद आ रहा है सब, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री में होने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये ऐड होके बनता है मेरा ग्रोस फैक्टरी कॉस्ट। इसमें ऐड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, ये मुझे मिल जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ये मुझे बन जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। एम आई राइट एवरीबॉडी, बोलो बोलो, चल चल, ओके देन। सो नेट फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर अपन लोग फिर क्या ऐड करते हैं, सो चलो मैं इधर आ जाता हूं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद वाले जो है दोज एडिशंस आर कॉल्ड एज स्पेशल एडिशंस, दोज एडिशंस आर कॉल्ड एज स्पेशल एडिशंस। सो ऐड स्पेशल बोलो, स्पेसिफिक बोलो, ये एडिशंस आ जाएंगे, क्या आएगा ये एडिशंस में बोलो, क्यू आर ए सी पी, राइट, ओके, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ठीक है। कल आप लोग को इसका मतलब, एक एक का मतलब मैंने प्रॉपरली समझा दिया था, आई होप क्लियरिटी आ गया होगा, ठीक है, ओके। अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी मैंने जो करवाया है उसमें तो बेसिक फॉर्मेट और वो सब तो आ ही गया है आपका, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट इसके अलावा भी जो मेरी ऑप्टिमाइज्ड है उसमें मैंने और डिटेलिंग में बताया है, बट फिलहाल आज एक दो दिन अपन लोग थोड़ा सम्स के साथ यूज टू हो जाएंगे, फिर मैं आप लोग को ऑप्टिमाइज्ड का जो थ्योरी है वो भी करवाऊंगा, नॉट टू वरी एट ऑल, ठीक है। चलो, सो क्यू क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आ गया, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के बाद आता है आर, आर स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ए स्टैंड्स फॉर एडमिन, पर कौन सा वाला, खाली जो फैक्ट्री में होने वाला है तो इसको बोलते हैं एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सी स्टैंड्स फॉर क्रेडिट फॉर रिकवरीज, या जिसको बोल सकते हैं मिसलेनियस इनकम, या जिसको बोल सकते हैं बाय प्रोडक्ट, ये सारी की सारी चीजें आ जाएगी मेरी सी में, या क्रेडिट फॉर स्क्रैप सेल, ठीक है, तो ये सारा सी में आ जाएगा। एंड पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, ओके गाइस, डन। सो ये मेरा क्यू आर एसीपी आ गया, आप मुझे बताओ नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्यू आर एसीपी ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, बोलो बोलो, चल चल,
एवरीबॉडी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्यू आर एसीपी एड हो जाएगा तो क्या मिलेगा? करेक्ट 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 करेक्ट, इट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं क्या एड लेस करता हूं? बोलो बोलो, चल चल, करेक्ट, फिनिश गुड्स। सो एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये एड लेस करने के बाद मुझे क्या मिल जाता है? इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एड जनरल एडमिन एंड ऑफिस ओवरहेड्स, ठीक है, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये सब एड करके मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस पे मैं प्रॉफिट एड करता हूं, मिल जाता है सेल्स, मिल जाता है सेल्स। गॉट इट गाइस? बोलो, डन 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 डन। चल अब मुझे बताओ, क्या आपको कोई नींद से उठा के भी पूछेगा, ए उठ, क्वेश्चन का फॉर्मेट बता? क्या बता पाएंगे? बोलो बोलो, चल चल, यस, हो गया उतना? अमन अमन, भाई वैलिडेशन बाद में कर ले, चलेगा? फ्लो आज कर ले, वैलिडेशन बाद में कर लेना। चलो डन, चल ठीक है। सो आई थिंक इधर तक क्लियर है अपने को? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? होना भी नहीं चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ सी हियर, पे अटेंशन। अब अपन लोग ने लास्ट सेशन में, अगर आपको याद हो तो, कुछ स्पेसिफिक चीजें मैंने आप लोगों को करवाई थी। क्या आप लोगों को ध्यान में है? कुछ स्पेसिफिक चीजें आप लोगों को करवाई थी, क्या आप लोगों को ध्यान में है? सबसे पहला स्टॉक ऑफ गुड्स, बोलो। सो स्टॉक ऑफ गुड्स में मेन पॉइंट क्या था? बोलो बोलो, टेल टेल, स्टॉक ऑफ गुड्स में मेन पॉइंट क्या था? चलो एक बार वापस से फॉर्मेट रिवाइज करते हैं, फटाफट फॉर्मेट रिवाइज करते हैं। डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, एड कैरियज इनवर्ड्स, लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, एड डायरेक्ट लेबर, एड डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट,
एड फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी इज इक्वल टू नेट फैक्ट्री कॉस्ट, एड स्पेसिफिक एडिशन क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन लेस क्रेडिट फॉर रिकवरीज मिसलेनियस इनकम सेल ऑफ स्क्रैप प्राइमरी पैकेजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एड जनरल एडमिन ओवरहेड्स एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कैसा लगा? क्या आप लोग भी ऐसे ही एक रोबोट की तरह पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके दिमाग में दिलो दिमाग में छप गया है कि नहीं? हाँ हाँ बोलो बोलो। जब बात That's the spirit. चल डन ओके। अब पहला एडजस्टमेंट स्टॉक ऑफ गुड्स का, स्टॉक ऑफ गुड्स का एडजस्टमेंट क्या बोलता है? दैट फिनिश गुड्स वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। चल बढ़िया सर, फिनिश गुड्स वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। चलो दूसरा एडजस्टमेंट अपन लोग ने क्या सीखा कल? सो ये ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, फिनिश गुड्स इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। इसका एग्जांपल भी दिया था, तुम लोग ने लिख लिया था। चलो जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फिनिश गुड्स। देखो कभी भी फिनिश गुड्स से रिलेटेड कुछ भी कैलकुलेशन करना होना बाय डिफॉल्ट ये चीज लिख लेने का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एड Units produced add units produced less closing stock of finished goods is equal to units sold is equal to units sold। समझ में आई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो मेरा ये भी एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, डन। थर्ड चीज के ऊपर अपन लोग आए थे विच वॉज योर इंक्लूजन्स। तो यहां पे इंक्लूजन सॉरी एक्सक्लूजन्स। सो एक्सक्लूजन्स में क्या क्या चीजें हैं? प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई अबनॉर्मल लॉस आपको दिखा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम या एक्सपेंस दिखा, लॉस ऑफ थेफ्ट बाय फायर, डोनेशन, फाइन, पेनल्टी, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें कॉस्ट शीट में नहीं आएगी क्योंकि कॉस्ट शीट बन रहा है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। पुष्पा समझे कि नहीं? चल डन ठीक है। सो इसी के साथ मेरा ये पूरा का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट होता है। फिर मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था, ठीक है? अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरे को तुम लोग के होमवर्क का आंसर्स अगर रेगुलरली नहीं मिला, दो तीन चांस दे रहा हूं मैं, मेजोरिटी लोगों का आ गया है मेरे पास आंसर, बट जो लोग भी नहीं दे रहे हैं ना, मैं इधर देख रहा हूं, तुम लोग को मैं डिसकंटिन्यू करवा दूंगा लाइव से। और गूगल ड्राइव वालों, तुम लोग ने भी अगर आंसर नहीं भेजा ना, मैं डिसकंटिन्यू करवा दूंगा। कहां से? पूरा गूगल ड्राइव का तुम्हारा सीरियल की बंद करवा दूंगा। हाँ ठीक है, तो पंगा मत लेना, होमवर्क मेरे को मेरे टाइम पे चाहिए, ठीक है? क्लासरूम में अपन हंसते खेलते सब कर रहे हैं वो ठीक है, बट होमवर्क के लिए मैं काफी पार्टिकुलर और स्ट्रिक्ट हूं, प्लीज कीप दैट इन माइंड, बेटर डू दैट। और फिर एक बार मैंने अगर आपको लाइव से हटा दिया या अगर मैंने आपका गूगल ड्राइव का सीरियल की ब्लॉक कर दिया होमवर्क ना करने के रीजन की वजह से, देन इन दैट केस ना आपको पैसा रिफंड मिलेगा, फिर आपके घर वाले आए, दुनिया का कोई भी ताकत आए, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू इट। आई वॉन्ट 90+ मार्क्स फ्रॉम यू, एंड उसके लिए मैं मेरा एफर्ट डाल रहा हूं, मुझे सेम एफर्ट आप लोग की तरफ से भी चाहिए। डन डन दीप ओके। चलो ठीक है, कल कौन सा दो क्वेश्चन दिया था कल आप लोगों को होमवर्क के लिए? चलो इधर देख लेते हैं मेरे पास, ये क्वेश्चन टू वाज योर होमवर्क यस्टरडे, एम आई राइट? परफेक्ट डन। हाँ मैंने किया है बट सेंड करना भूल गई राधिका जी। छोड़ी बच्ची हो क्या? चलो भेजना कहाँ है, व्हाट्सएप कर दो मेरे को। चलो ठीक है आ जाओ, अभी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। सो नाउ एज आई टोल्ड यू, आज अपने को खाली सम्स करना है, पूरा का पूरा फोकस आज अपना
सम्स के ऊपर होगा. सो वी विल डू अ फ्यू सम्स टुडे. ठीक है. अच्छा अब कुछ मैं टिपिकल चीजें आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. ठीक है. एंड दैट इज दिस. कीप टू थिंग्स इन माइंड बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन. बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन. पहला, रीड द रिक्वायर्ड पार्ट केयरफुली. एकदम ध्यान से देखना है. रीड द रिक्वायर्ड पार्ट carefully. And दूसरा, at least read the question twice. Read the question at least twice. ठीक है. ये दो चीजें without fail follow करनी ही है अपने को. तो ही काम बनेगा भैया, पहले बता रहा हूं. चलो नाउ एवरीबॉडी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. आइए. द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज. तो क्वेश्चन है किसका? क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आदित्य इंडस्ट्रीज. आइए लेट्स स्टार्ट गाइस. कम. ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स का नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री का. क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स का क्वांटिटी दिया हुआ है क्या? नहीं. अमाउंट दिया हुआ है क्या? नहीं. तो अपने को क्या कैलकुलेट करना होगा? इन शॉर्ट समझ में आया, ना क्वांटिटी दिया है ना अमाउंट दिया है. ना क्वांटिटी दिया है ना अमाउंट दिया है. फिर रॉ मटेरियल परचेज, GST पेड ऑन रॉ मटेरियल परचेज, ITC अवेलेबल, वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस पेड, ट्रेवलिंग अलाउंस पेड टू स्टाफ, सेलिंग एक्सपेंसेस, मशीन आर रेट, मशीन आर वर्क, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्रोड्यूस, डिजायर प्रॉफिट 15% ऑन सेल. तो ये एक प्राइमा फेसी अपन ने क्वेश्चन रीड कर लिया है. आपको मुझे बताना है सबसे पहला काम. देखो इसमें अपने को बनाना क्या है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज. सर व्हाट इज ITC? सब बताऊंगा. सबसे पहला काम प्राइमा फेसी इस क्वेश्चन को रीड करके क्या लग रहा है अपने को? सीधा कॉस्ट शीट से स्टार्ट करना चाहिए या और कुछ फाइंड आउट करना चाहिए? देखो जरा, फर्स्ट चीज यूजुअली आप कॉस्ट शीट में क्या बनाते हो? सीधा फॉर्मेट से स्टार्ट करोगे या कुछ और इंफॉर्मेशन दिया है उसको एनालाइज करके उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे? बोलो चल एवरीबॉडी, आई एम वेटिंग. वेरी गुड, विवेक गोयल ने करेक्ट आंसर दिया है. अदर्स, एवरीबॉडी हैज टू आंसर. फिनिश स्टॉक का कैलकुलेशन दिखा दो. पहले फिनिश स्टॉक का कैलकुलेशन दिखा दो. तो यस, आइए. वर्किंग नोट 1. वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स.
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड. इस क्वेश्चन में है ना क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, तो इधर यूनिट सोल्ड कर देते हैं. ठीक है, इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. समझे क्या? चलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कुछ दिया है क्वांटिटी में, याद रखना यहां पे अपने को यूनिट्स में फाइंड करना है. यूनिट्स यूनिट्स कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन यूनिट्स. लेट्स स्टार्ट. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10,000 यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. बोलो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है क्वेश्चन में? देखो दिया हुआ है सब, यूनिट्स प्रोड्यूस भी दिया है, यूनिट सोल्ड भी दिया है, यूनिट्स प्रोड्यूस भी दिया है, यूनिट सोल्ड भी दिया है. सो यूनिट्स प्रोड्यूस 194, यूनिट सोल्ड 160. एंड अपने को मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. सो 10,000 प्लस 1,94,000 माइनस 160 एंड इट इज 44,000 यूनिट्स. समझ में आया सबको? डन डन. चलो ये एक स्टार्ट मिल गया है अपने को. अब दूसरा क्वेश्चन, क्या यहां पे पर यूनिट कैलकुलेट करना है या टोटैलिटी पे? बोलो पर यूनिट कैलकुलेट करना है या टोटैलिटी पे? देखो पर यूनिट का तो कहीं नामो निशानी नहीं है, तो टोटैलिटी पे ही करना है अपने को. बराबर है? ठीक है सर, टोटैलिटी पे करेंगे, बट साथ में पर यूनिट का भी बना दू जो मेन मेन है, जैसे प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो सब के लिए अपन लोग पर यूनिट भी कैलकुलेट कर लेंगे. खुश रखो ना यार एग्जामिनर को, क्या बोलते हो? वो भी का याद रखेगा. चलो डन. सो ऑन दैट नोट नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. बीच में डाउट आया था शुभम का दैट सर यहां पे कुछ आईटीसी अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है? तो ये जैसे जैसे आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा. और आप मैं आज मैं आपको और एक चीज नहीं बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करनी है. क्या सर? बताता हूं, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. सर एग्जाम में भी ना मैनेज तो भी, ना मांगे तो भी, हाँ बता दो ना यार, मतलब एक सेफ साइड पे रहना ही अच्छा है यार, मैं तो मानता हूं. बताया तो कोई खोटा नहीं है, है ना? चल ठीक है. सो आइए बनाते हैं अपन लोग कॉस्ट शीट, मंथली कॉस्ट शीट ऑफ आदित्य इंडस्ट्रीज. Particulars, amount in rupees, cost per unit. चल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के साथ. सो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. बोलो क्या लिखते हैं अपन लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? उसी से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है कितना है? ओहो 12 लाख, ह्यूज अमाउंट.
एड क्या क्या है? रॉ मटेरियल परचेज्ड, वन करोड़ 44 लाख, देन कैरियज इनवर्ड्स दिख रहा है कहीं पे भी? नहीं सर, कैरियज इनवर्ड्स कहीं नहीं दिख रहा है कहीं पे भी अपने को। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल दिख रहा है? नहीं, तो सीधा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फोर्टीन लाख ठीक है। अब आता है यहां पे एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू जीएसटी। अब इसका, अरे ओ जीएसटी, अब तेरा क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, मैं पहला चीज बता रहा हूं क्या, जीएसटी का एक्सप्लेनेशन नहीं, सुनो। आज से अपने को एक हैबिट डालनी है, ध्यान से सुनना एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी हैज टू कंफर्म, समझ में आया कि नहीं? आज से अपने को एक हैबिट डालनी है एक चीज बनाने की, जो आप मेरे साथ कॉस्टिंग में भी करोगे, जो आप मेरे साथ एफएम में भी करोगे, जो आप मेरे साथ सीए फाइनल एएफएम में भी करोगे, ठीक है? आज से ही वो आदत डालवा रहा हूं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, बाय डिफॉल्ट आपको वो चीज पता ही होनी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट नोट्स। क्या बोला मैं तुम लोग को? आपको बनाना है आज के बाद स्टूडेंट नोट्स। सर क्या होता है ये स्टूडेंट नोट्स? तो आप ध्यान से सुनिएगा, अपन लोग जब कोई भी सम करते हैं तो देखो, एक तो अपना जनरल फॉर्मेट है जो अपन लोग फॉलो कर ही रहे, बट हर सम में कुछ ना कुछ नया एडजस्टमेंट आता है, इसीलिए वो सम कर रहे हैं अपन लोग कि वो नया एडजस्टमेंट देख ले। वो जो भी सम का स्पेसिफिक नया एडजस्टमेंट होगा, उसके लिए अपन लोग एक अलग से बुक बनाएंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज स्टूडेंट नोट्स बुक। तो वो स्टूडेंट नोट्स में जितने भी ऐसे एडजस्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं, वो सारे वहां पे जाएंगे। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, जब इतना सब कुछ, समझो 15 चैप्टर है, तो मेरे सर पे 15 चैप्टर का बोझ होगा, लोड होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे कवर करनी है? इतने सारे सम्स तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। दैट इज वेयर आपका स्टूडेंट नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा काम में आएगा, बिकॉज आप फिर आपके पूरे स्टूडेंट नोट्स में जितने भी आपने पॉइंट्स बनाए हैं उसको आप गो थ्रू कर लोगे, एंड यू विल बी वेरी क्लियर दैट ओके, कौन से सम में कौन सा क्या एडजस्टमेंट था वो आपने पहले से ही लिख दिया है। स्टूडेंट नोट्स कैसे बनाना है, इसके लिए मैं आपको इनिशियली डेफिनेटली हेल्प करूंगा और गाइड करूंगा, बट उसके बाद अब तुम्हारे हवाले स्टूडेंट नोट्स साथियों। तो क्या आप लोग ये मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो, अलग कॉपी में या सेम कॉपी में ही? सेम कॉपी में तो देखो जो क्वेश्चन के साथ है वो तो मैं लिखवाने वाला हूं, बट उसके अलावा अलग कॉपी में एक जगह पे वापस से आपको लिखना है। जैसे अब, जैसे आज से आप स्टूडेंट नोट्स लिखना चालू कर रहे हैं, तो आज जब आप स्टूडेंट नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लिखोगे, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के बाद आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का जो अलग से स्पेसिफिक अपन ने लिखा था वो लिख लोगे, फिर स्टॉक ऑफ मटेरियल में, मालूम है स्टॉक ऑफ गुड्स में, मालूम है क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, वो आपका जाएगा, फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, वो जाएगा, प्लस जो भी आपके एक्सक्लूजन है वो जाएंगे। नेक्स्ट अब आपका जीएसटी का जो मैं एडजस्टमेंट लिखवा रहा हूं वो जाएगा, इसके बाद और कोई भी एडजस्टमेंट, कोई और भी बोलते हैं ना सम का करवाया, वो मेरा वो सम के साथ हो ही जाएगा, स्टूडेंट नोट्स में अलग से जाएगा। जब आप वो चैप्टर को रिवाइज करेंगे मेरे यूट्यूब वीडियो से, तब आपके पास जब आप स्टूडेंट नोट्स साथ में रखेंगे, आपको एक एक चीज ध्यान में आ जाएगी, कौन से क्वेश्चन में कौन सा एडजस्टमेंट था एक ही जगह पे, एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। कैसा लगा मेरा आइडिया, अप्लाई करोगे कि नहीं? यस, उसी में सारा नोट्स आ जाएगा, सो दैट एग्जाम डे पे जो अपन इतनी सारी चीजें भूल जाते हैं वो भूलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो एक ही जगह पे सब चीज लिखी हुई है, आपको याद आएगा जैसे ही, अच्छा ये वाले में ये करना है, यू विल बी एबल टू मैनेज इट। क्या बोलते हो, सब लोग फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? एवरीबॉडी टेल मी गाइस। यस, और यही सेम चीज
एफएम में भी आप फॉलो करेंगे, वहां मुझे शायद बोलने की भी जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है? चलो डन। ओके, अब आ रहा है जीएसटी वाला पॉइंट। तो क्या है ये एग्जैक्टली? तो आज अपन लोग ने और एक चीज करनी है घर पे जाके, क्या के यस स्टूडेंट नोट्स बनाना है, वो भी आप मुझे भेजेंगे। ओके चलो, सो अब स्टूडेंट नोट्स के लिए मैं भी मेरा एक नोट्स अलग से बना लूंगा, तुम लोग के साथ वो भी शेयर कर दूंगा, और अ पीरियड ऑफ टाइम तुमको आदत हो जाएगी, फिर मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाउ आ जाते हैं जीएसटी के ऊपर। जीएसटी का इधर लिखा है आईटीसी नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब क्या? आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपको आपका जीएसटी का प्रोफेसर जरूर समझाएगा इन डिटेल, बट यूजुअली जीएसटी के लेक्चर्स बाद में होते हैं। तो अभी जो सीन चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता दूं क्या सिचुएशन रहेगा। आइए देखते हैं, कम क्या कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? जीएसटी कॉन्सेप्ट जो अपने को टैक्स के लिए एप्लीकेबल है, जो अपने को कॉस्टिंग के लिए जितना एप्लीकेबल है उतना। क्या आप लोग ने कभी मोबाइल फोन खरीदा है? क्या आप लोग ने कभी मोबाइल फोन खरीदा है? बोलो हाँ या ना। तो देखो, दो तरह के लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं, एक आप जैसे लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं और एक हम जैसे लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं, ठीक है? जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, आप खरीदते हो एज अ कंज्यूमर, आप खरीदते हो एज अ कंज्यूमर। हम जैसे लोग जब खरीदते हैं तो हम खरीदते हैं एज अ बिजनेस। भाई हम तो बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, तो सर क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क पड़ता है, आओ बताता हूं। से फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा से सैमसंग, सैमसंग का ए प्लस बी प्लस जो भी है मोबाइल फोन खरीदा, आपने ये खरीदा 1 लाख रुपए में। कितने में खरीदा? 1 लाख रुपए में खरीदा। इसके ऊपर आपको जीएसटी बिल आता है, तो आप लोग जीएसटी भी पे करते हैं, तो ये आपने जीएसटी पे किया 18,000, तो टोटल आपने पे कर दिया, टोटल आपने पे कर दिया, आपका इनवॉइस आएगा टोटल रुपीज 1,18,000 का। नाउ एज पर द रूल्स ऑफ जीएसटी, आपको ये जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर अ कंज्यूमर, सो नो क्रेडिट ऑफ जीएसटी, या इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं, आईटीसी इनपुट, नो क्रेडिट ऑफ जीएसटी और आईटीसी इज अवेलेबल टू कंज्यूमर, ठीक है? तो अपने को कितने में पड़ जाएगा ये पूरा? भाई जी अपने को कितने में पड़ जाएगा ये पूरा? करेक्ट, अपने को पड़ जाएगा ये टोटल 1,18,000 में। क्यों अपने को ये 1,18,000 में पड़ा? क्यों अपने को ये 1,18,000 में पड़ा? करेक्ट, बिकॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज अपने को उसका क्रेडिट नहीं मिला, जो अपन लोग देख रहे वो पूरा का पूरा अपने लिए कॉस्ट है। अब एक बिजनेस के एंगल से सोचो, जब एक बिजनेस मोबाइल फोन खरीदता है ना, वो सेम मोबाइल फोन खरीदेगा ए बी सी, वो भी खरीदेगा 1 लाख में, वो भी इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा, एंड दैट इज ₹18,000। तो ये हो गया मेरा इधर इनवॉइस ₹1,18,000। समझ में आया गाइस? बट अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट क्या है, दैट ये जो 18,000 का जीएसटी आपने भरा है फॉर बिजनेस, दिस इज अलाउेबल एज क्रेडिट फॉर बिजनेस अबाउ 18,000 is allowed as a credit।
अबाउ 18,000 इज अलाउड एज अ क्रेडिट. तो इसका मतलब क्या है पता है, आपने भरा 1,18,000, आपने भरा 1,18,000, बट उसमें से 18,000 का आपको बेनिफिट मिल जाएगा. इसको कहते हैं ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आपको नेट पड़ेगा ₹1,00,000 में. तो बिजनेस को जो चीज पड़ी 1,00,000 में मिली, वही कंज्यूमर को पड़ी 1,18,000 GST की वजह से. इसीलिए कई बार है ना, सीए बनने के बाद आपको आपके फ्रेंड्स आके बोलेंगे, ये सुनना मोबाइल खरीदने का है, तेरी कंपनी का जीएसटी क्रेडिट देगा क्या? ये बोलना चाह रहा है वो, क्योंकि वो खुद खरीदेगा और वो तो बिजनेस में है नहीं, तो वो खुद खरीदेगा तो उसको इतना महंगा पड़ेगा, वही अपने से वो क्रेडिट लेना चाह रहा है. समझे? बोलो बोलो, चल चल. हाँ, मतलब 18,000 रिफंड फॉर द बिजनेस. समझे? तो अब मेरे को बताओ, यहां पे जो आप लोग को इधर जीएसटी का क्रेडिट दिख रहा है बच्चों, उसका क्या होगा? देखो यहां पे आप लोग को दिखा है जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल इज 7,20,000, बट उसका आईटीसी अवेलेबल है. आईटीसी अवेलेबल है मतलब ये बिजनेस वाला है, तो इसको तो आईटीसी अवेलेबल होगा ही. तो क्या ये मेरे कॉस्ट में ऐड होगा? क्या ये मेरे कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा? यहां पे चाहिए तो अपन लिख सकते हैं एट जीएसटी आईटीसी अवे. तो अगर आईटीसी अवेलेबल हुआ तो अपना वो कॉस्ट बढ़ेगा ही. करेक्ट, रिफंड मिल रहा है तो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा. तो इधर लिख के दिखा दो एग्जामिनर को कि भाई हमने जीएसटी का क्रेडिट लिया है, और इसका एक वर्किंग नोट लिख देने का. ये वर्किंग नोट वन था ना, इधर नीचे एक वर्किंग नोट टू लिख दो. क्या बोलते हो? इधर एक वर्किंग नोट लिख देता हूं. बोलो क्या है वर्किंग नोट? दैट जीएसटी से जीएसटी क्रेडिट मिल रहा है अपने को सिंस आईटीसी इज अवेलेबल ऑन जीएसटी पेड इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नेट कॉस्ट. डन. ठीक है, चल अब स्टूडेंट नोट्स में आप क्या लिखोगे? ये जीएसटी वाला पॉइंट. तो जब आप रिवाइज कर रहे होगे, ये जीएसटी वाला पॉइंट आपको क्लिक हो जाएगा. आप बोलोगे अच्छा हाँ, एफ आर. गॉट इट गाइस? चल 12,00,000 प्लस 144, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है 1,42,00,000. एम आई क्लियर गाइस? गाइस मैं आपको पूछ रहा हूं, एम आई क्लियर? समझ रहे हैं आप? जीएसटी का पॉइंट क्लियर हो गया? जिसने फर्स्ट टाइम भी जीएसटी आईटीसी सुना है उसको भी समझ में आ गया? चलो बढ़िया, अब फटाफट अपन लोग आगे बढ़ेंगे. चलो एक चीज समझ में आ गई ना जो, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं फटाफट. सेकंड, डायरेक्ट लेबर. देखो वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स कितना है? 336,64,000 वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स कितना है? 36,64,000. मैं तो आपको बोलूं
ये भी आप स्टूडेंट नोट्स में लिख सकते हैं, वेजेस पेड टू प्रोडक्शन वर्कर्स इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर, इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर. समझ में आया? चलो थर्ड, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज. अगेन कुछ बोला नहीं है तो इसको अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे. डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटी 145,600. ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट. बोलो कितना? ठीक है, ओके. अब इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लो, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. कभी भी यूनिट्स प्रोड्यूस से करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक 1,94,000. सो 92.83. इधर तक एकदम सिस्टम सेट है गाइस. ठीक है, सर इसमें नोट डालना होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस अज्यूम किया है. डाल देना, डन. चलो प्राइम कॉस्ट तक आ गया अपने को. किसी को कोई भी डाउट प्राइम कॉस्ट तक में तो बोलो. प्राइम कॉस्ट चल, तो मैंने क्या किया, 194 ही डिवाइड किया ना. डन. चलो आगे का गाइज, आगे का तो तुम लोगों को करना चाहिए, अब मेरी जरूरत ही नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग. तुम्हारे को 5 मिनट दे रहा हूं, पूरा ये सब मुझे कंप्लीट चाहिए. एवरीबॉडी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
डन। फटाफट अभी चेक कर लेते हैं आंसर। तो देखो मेन जो एडजस्टमेंट है वो मैंने किया, बाकी का आपने किया, आपका प्रैक्टिस भी हो गया, जो पॉइंट था मैंने भी बता दिया, दैट्स हाउ इट शुड वर्क। ओके साक्षी जी बोल रही है सर आपने यहाँ पे 144 गलती से लिखा है, आपको 194 लिखना है। ओके साक्षी जी, क्या अब मैं सही कर रहा हूं क्या साक्षी जी? क्या चलो और किस किस का डन हो गया एक बार बताओ मुझे, और किस किस को डाउट आ रहा है अभी वो बताओ मुझे। चलो प्राइम कॉस्ट हो गया, प्राइम कॉस्ट के बाद क्या करते हैं अपन लोग? ऐड ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। लास्ट सेशन में कुछ कुछ लोगों का ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में गलती हुआ था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, अब गलती नहीं होना चाहिए। कौन सा वाला? मशीन आवर्स वाला। तो नीचे दिया हुआ एडजस्टमेंट में मशीन आवर रेट एंड मशीन आवर्स वर्क, राइट? बोलो मशीन आवर्स वर्क कितना है? 21,600 आवर्स। मशीन आवर रेट कितना है? 8 पर आवर। ओपनिंग WIP 18 लाख। क्लोजिंग WIP 16,04,000। डन। क्या मिल जाएगा? नेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ऊपर बीच में अपन ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकते थे बट इट्स ओके, डायरेक्टली नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिखा तो भी परवाह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 172,800 प्लस 18 लाख लेस 16,04,000, 3,68,800 प्लस 1,800,960, 1,837,800 डिवाइड बाय 1,94,000, 94.734। चल आगे बढ़ेंगे। एड QRACP। आप देखिए कुछ QRACP है क्या इसमें? ना क्यू है, ना आर है, ना ए है, ना सी है, ना पी है। अरे भाई तो ये तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट गंगाधरी शक्तिमान है, यानी नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज 183,78,494.73। ओके उसके बाद, उसके बाद क्या होगा बोलो? ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस पे, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, वो सब बाद में आएगा। अब वैल्यू करने की बारी आ गई है किसको? जी हाँ, जो क्वेश्चन मार्क था इधर, क्वेश्चन मार्क दिखाइए। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है, आओ करते हैं। तो एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्वेश्चन में दिया है भाई, क्वेश्चन में दिया है 9,60,000 लेस, यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और प्लीज ध्यान में रखना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज 94.73। ब्रैकेट में इधर ये लिखना कंपलसरी है, वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये ऐसा लिखना कंपलसरी है। जी हाँ ओके, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 44,000 एट द रेट 94.73। फोर्टी वन सिक्सटी एट वन ट्वेंटी
61 68 120, ये एड लेस करके बनता है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बोलो कितना आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसका आंसर्स हो गया है प्लीज मुझे हेल्प करो यार। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, तो नानी हम लोग को बता क्या गड़बड़ हुआ। देखो तुम लोग से कोई मिस्टेक होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे अपन मिस्टेक करने के लिए बैठे, बट क्या मिस्टेक होता है वो बताओ, सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना करे। चल सो साक्षी जी ने जवाब दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 1517 0280, समबडी प्लीज कंफर्म। डिवाइड बाय गोइंग टू बी सेम ओनली 94.1517 0280, याद रखना यहां से जैसे ही वर्ड सोल्ड आ जाता है डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड से डिवाइड करना है, 94.81 आ जाएगा। इसमें बस दो चीज ऐड होनी बाकी है, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 960,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, ये क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, कोई चाय मंगवाओ यार सर के लिए, तुम लोगों को नहीं लगता है सर भी थक जाते होंगे, सर के लिए चाय मंगानी चाहिए। देखो कैसी गलती कर रहा था मैं, ओके एडमिन ओवरहेड्स देखना है अभी अपने को, तो ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस पे 26,52,000, सो ऑफिस एंड एडमिन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड टू ऑफिस स्टाफ, सेलिंग एक्सपेंसेस 6,46,000, एंड वी विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है बोलो कितना आता है 1517 0280। चलो थैंक यू साक्षी जी, 1855892 80 1858 92 80, ओके डिवाइड बाय 1,60,000 कर दो, कितना आता है डन। ओके अब देखो सेल्स के लिए क्या बोला है, डिजायर्ड प्रॉफिट 15% ऑन सेल्स, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आओ मैं आपको सिखाता हूं। देखो एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है बोलो कितना आता है। देखो अब ध्यान से सुनना क्या बोला है, 15% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो कितना आएगा लेट्स सी। सो इफ सेल्स इज 100, देखो क्या बोला है 15% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो जिसके ऊपर ऑन बोला है ना उसको 100 ले लेने का, तो सेल्स 100 तो प्रॉफिट 15, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 85, समझे। ये आ जाता है 2186974141, माइनस 1858892 80,
ये आ जाता है 3280461। Got it? Sure. 20.50. Done. Any doubts, anybody? Please ask. If not, so we are done with this question. सर प्रॉफिट कैसे निकाला समझ में नहीं आया। देखो सुनो सुनो सुनो, चल मैं इधर से समझाता हूं वापस से। देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक सबको समझ में आ गया। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। डिजायर्ड प्रॉफिट 15% ऑन सेल्स। ये तुम लोग को ये तो फाउंडेशन लेवल पे था यार ये सब चीज, तो कोई बात नहीं बताता हूं। डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑन सेल्स, ऐसा लिखा है। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना है, सेल्स का 15%। सेल्स कितना है मुझे नहीं पता, सो कॉस्ट ऑफ सेल्स में। बट अपने को एक चीज पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब प्रॉफिट ऐड होता है तो वो सेल्स बनता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड होता है तो वो सेल्स बनता है, बराबर है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, प्रॉफिट कितना है 15% ऑन सेल्स। अब सेल्स कितना है वो ही नहीं पता, तो लेट द सेल्स बी 100, 15% ऑन सेल्स, ये 15 हो गया। सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 85। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो कि भाई 85 का 185,892,080, तो 100 का कितना, तो 185,892,080 2,980 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 85 आपको मिल जाएगा सेल्स। समझ में आया नानी, नानी बॉय समझ में आया? डन। इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। डन, नाउ ओपन क्वेश्चन नंबर 9। जिस पे भी प्रॉफिट बोले उस पे 100 अज्यूम करना, यस तो आ जाएगा आंसर। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 9 गाइस। 9 हो गया ना अपना, सॉरी सॉरी। ठीक है, 9 कल हो गया था आज, अभी क्वेश्चन 4 पे आ जाओ फिर।
डन, क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ। अगर सर जिसपे भी प्रॉफिट बोले उसे हमेशा 100 अज्यूम करना है ना। हाँ तो प्रॉफिट सेल्स पे बोला है तो सेल्स 100, प्रॉफिट 15, मेरे भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स 85 आएगा। शुभम सेल्स 15 कैसे होता है, बोला 15% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो सेल्स को तो तूने 100 लिया है। चलो डन, क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ गाइस प्लीज। द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा, बहुत अच्छा समय है फॉर अप्रैल 2021। सो अपन लोगों को बनाना है आदर्श, अपने लोग को काम करना है आदर्श मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है आ जाओ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स। ये क्या होता है मुझे नहीं पता, वर्क्स ओवरहेड्स क्या होता है, सुना नहीं है कभी, क्या होता है वर्क्स ओवरहेड्स, तुम लोगों को पता है क्या, बताओ ना क्या होता है वर्क्स ओवरहेड्स। हाँ वर्क्स ओवरहेड्स क्या होता है, करेक्ट सुयश शौनक यशस्वी, इट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ₹56,000। इन्वेंट्री अकाउंट शोड द फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग अकाउंट्स, अदर डेटा आर एज फॉलोज, जनरल एडमिन ओवरहेड्स, सेल्स फॉर द मंथ। यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटीरियल परचेस्ड। अब देखो यूजुअली अपने को बोलते हैं सेल्स कैलकुलेट करो, प्रॉफिट कैलकुलेट करो, इस क्वेश्चन में आपको टोटली रिवर्स जाना है और कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज जो अपने को फर्स्ट दिया होता है। तो कहना है सेल लेवल बढ़ रहा है, अब दिमाग खुला रखिएगा। चलो प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट, जरूर। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। So, अभी इसमें ना कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको बताता हूं। देखो दिस इज अ केस ऑफ रिवर्स कॉस्ट शीट, वेर इन वेर इन we will first fill up all the details available ठीक है, and then calculate the बैलेंसिंग फिगर, ठीक है डन। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बींग 17,500 बींग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स, इसको कोई दया बताओ मुझे इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे आता है। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट कितना है 17,500, तो डायरेक्ट लेबर
17,500 बींग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स. वर्क्स ओवरहेड्स कितना है आपने को पता है क्या? नहीं पता है. वर्क्स ओवरहेड्स कितना है आपने को पता है क्या? द आंसर इज नो. सो अपन यहां पे लिखेंगे भाई इट इज 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स. ठीक है, अब कोई मुझे बता सकता है क्या आएगा वर्क्स ओवरहेड्स? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकता है? वेरी गुड पलक. अदर्स, अदर्स थिंक एंड टेल. शौनक बोल रहा है 17,500 डिवाइड बाय 175%. क्यों ऐसा क्यों? बाकी लोग बोल रहे हैं 10,000, बट कैसे आया? मुझे आंसर चाहिए ही नहीं, मुझे कभी जिंदगी में आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैसे आया. बोलो कैसे आया, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. देखो यहां पे क्या वर्डिंग्स है, इट इज 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स, दैट इज अगर वर्क्स ओवरहेड्स 100 है तो डायरेक्ट वेजेस उसका 175 है. बराबर है? सो बराबर ना, अगर वर्क्स ओवरहेड 100 है तो वर्क्स ओवर डायरेक्ट वेजेस उसका 175% मतलब 175 है. सो यहां पे अपन बोलेंगे कि ये 175 रिप्रेजेंट करती है क्या 17,500, तो 100 क्या रिप्रेजेंट होगा? सो इट विल बिकम ₹10,000. इट विल बिकम ₹10,000. समझ में आया? यस, वेरी गुड सुयश, गुड एक्सप्लेनेशन. इफ वर्क्स ओवरहेड इज एक्स एंड डीएल इज 1.75x, देयरफॉर वी विल डिवाइड. ओके डन, समझ में आया सबको? फर्स्ट तो पहला क्लू अपने को मिल चुका है, वर्क्स ओवरहेड इज 10,000. पहला क्लू मिल चुका है, वर्क्स ओवरहेड इज 10,000. सो दो चीज, एक डायरेक्ट लेबर मिल गया, एक वर्क्स ओवरहेड मिल गया. आगे देखते हैं और क्या क्या इन्फो मिल सकता है. चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ओके, जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, रॉ मटेरियल. तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों ना पूरा एक फॉर्मेट बना लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो डाल देंगे, फिर जो बच गया वो बैलेंसिंग फिगर की तरह कैलकुलेट कर लेंगे. बोलो क्या बोलते हो, करें? वी विल फर्स्ट मेक द कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सब डाल देंगे. Wherein we will fill up, first fill up all the details available. And then calculate the balancing figure. Oh. So, जो भी अवेलेबल है. अब यहां पे तो पर यूनिट का कोई जरूरत है ही नहीं, कोई नामो निशानी नहीं है पर यूनिट का, बनाना ही नहीं है. चलो लेट्स स्टार्ट. देखो यहां पे पर यूनिट का कहीं पे भी नंबर ऑफ यूनिट्स का नामो निशानी नहीं है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स है ही नहीं, तो पर यूनिट का होने का सवाल ही नहीं है. तो छोड़ दो इसको. आइए तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. सर ये रिवर्स कोटेशन है तो नॉर्मल का रिवर्स कर सकते हैं ना? हाँ, मतलब जैसे तुम कंफर्टेबल हो. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्वेश्चन में कहीं कैरियज इनवर्ड सेल ऑफ क्रॉप ऑफ रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो वो लिखना का जरूरत ही नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है? यस, 8,000, 10,600.
8,600, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, तो ये अपने को मिल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो अभी मेरे पास नहीं है। एड डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 17,500। एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मुझे कुछ दिया हुआ नहीं है, मैं बोल देता हूं ये हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बोलता हूं भाई प्राइम कॉस्ट तो मुझे मिल गया है, इसमें मैं ऐड करूंगा सर। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है क्या? हाँ आया है ना। और कितने मार्क्स का आता है ऐसा क्वेश्चन? तो देखना, देखो मैंने ना फर्स्ट डे पे ही यहाँ पे सब बताया है कितने का मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स का यूजुअल वेटेज फिक्स्ड है इसका। 10 मार्क का आता ही आता है, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आता ही आता है। या चलो नेक्स्ट, और क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, ये अपने को मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। या जिसको अपन बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? 10,000। एड ओपनिंग WIP 10,500, लेस क्लोजिंग WIP 14,500, डन। फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा जो मुझे पता नहीं है क्या है। प्लस कहीं पे भी QRACP का नामो निशान है? कोई नामो निशान नहीं है। सो QRACP विल बी डैश, यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इसमें एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चल सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस ₹56,000, मतलब उसने COGS दिया है 56,000। इस पे अपन ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिन, इसमें अपन ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस एंड एडमिन कितना है? 2,500। थर्टी सिक्स हंड्रेड 3,500 सो कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या इसमें सेल्स दिया हुआ है? हाँ थैंक गॉड सेल्स दिया हुआ है। देखो अभी तक मैंने 1% का भी खुद का दिमाग लगाया क्या? द आंसर इज नो। अब देखो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ही आपको हिंट देगा, इशारा देगा, ऊपर वाला इशारा देगा आपको, ठीक है। सो एक कहा एक मूवी है दिल तो पागल है, उसमें यही बोलती है माधुरी दीक्षित, वो मेरे लिए जो भी बनी है बना है, ऊपर वाला मेरे को इशारा देगा। यहां पे ऊपर वाले ने इशारा दिया है कि सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट कितना? बोलो बोलो टेल टेल। करेक्ट, इजी पीजी 13,000 प्रॉफिट। देखो अभी मैं बोल रहा हूं मैंने 1% का थेले भर का कोई दिमाग नहीं लगाया, जो जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा वैसा मैं बनाते गया हूं, जो जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा वैसा मैं बनाते गया हूं, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया।
पीछे गए पीछे गए पीछे गए पीछे गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। एड ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में दिया है, तो चलो इसको यूज करते हैं। 17,619,000, तो 17,619,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 56,000। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। अगर मैं पीछू जाऊंगा, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आप वो मुझे उतना कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या मित्रों, तो बताओ, समझे क्या तुम लोग? बट रिवर्स जाना है, ध्यान रखना, करेक्ट, साइंस चेंज हो जाएगा। चलिए कितना आता है अभी आपका, करेक्ट यशु। यशु ने जवाब दिया है 57,400, तो 56,000 प्लस रिवर्स जाओगे तो ऐड कर दोगे 19,000 लेस 17,600 एंड इट विल बी 57,400। डन। अच्छा 57,400, अब देखो क्यू आर एसीपी कुछ है ही नहीं, तो यही 57,400 बनेगा। पिछू जाओ पिछू जाओ, तो 57,400, तो रिवर्स जाओगे तो ये एड, ये लेस, गो रिवर्स 57,400 प्लस 14,500 लेस 20,500 आ जाएगा 51,400 आ जाएगा 51,400। डन। तो 51,400। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ नामो निशान नहीं दिया है, तो कैन आई से और पिछू जाएंगे तो अपने को मिल जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सो इतना लेस कर देंगे 51,400 माइनस 17,500, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा आपका 33,900। साक्षी से गलती हो गई, और भी आप लोग से गलती हो सकती है, ध्यान देना। अब टोटल डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है 33,900, अगेन रिवर्स जाओ, सो 33,900 प्लस 10,600 माइनस 8,000 ये आ जाता है आपका वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल 36,500। ए संजुगड़ू, यही तो फाइंड करना था। देखो क्या रिक्वायर्ड पार्ट था, दो पार्ट था, दो चीज थे, ये था रिक्वायर्ड में, प्रिपेयर अ स्टेट कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट अर्न्ड, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड, ये सारी चीजें आपको अब इस कॉस्ट शीट में मिल जाएंगी। किसी को कोई भी तकलीफ, सबको समझ में आया, कैसा लगा ये सम, अच्छा लगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, मजा आ रहा है। देखो एक सिंपल चीज बता देता हूं, तुम लोग बोलोगे सर इतना भी बेसिक नहीं बताना है, बट फिर भी बता देता हूं मैं। देखो भैया 3 + 5 = अगर 8 होता है और मुझे कोई 8 दे दे और यहां पे +5 दे दे, तो मैं ये 3 कैसे फाइंड करूंगा 8 - 5 करके, ठीक है। सो जब मेरे को रिवर्स जाना है तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, एंड वैसे ही वाइस वर्सा भी होता है।
से फॉर एग्जाम्पल 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 होता है, एंड यही 7 है, 2 है, 5 है, मुझे रिवर्स जाना है. अगर ये इधर माइनस है, जब मैं रिवर्स जाता हूं तो इट बिकम्स 5 प्लस 2 7. डन, चलो गुड. चलो 2 मिनट दे रहा हूं, देख लो फिर अपन आगे बढ़ेंगे. दिव्या बोलिए सर, क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं तो कॉस्ट शीट अलग अलग प्रिपेयर करना जरूरी है या एक कॉस्ट शीट में सब दिखा सकते हैं? एक ही बनाएंगे मैडम. अगर आप ऐसे 2 पार्ट्स के लिए 2 कॉस्ट शीट बनाने लगे, देन इन दैट केस आप पूरे एग्जाम में खाली 1 या 2 ही क्वेश्चन करके आने वाले हो क्या? सर सोल्यूशन में मटेरियल कंज्यूम का अलग स्टेटमेंट बनाया है. हाँ बनाने दो ना, अपन लोग एक में ही बना देंगे यार, टाइम किधर है इतना. अगर एग्जाम में आया तो दोनों को एक में कर सकते हैं, नहीं एक में ही करना है. चलो डन. चल कम टू क्वेश्चन 8. आई हियर इट इज. आओ स्टार्ट करेंगे. एक्स वाई जी हैज रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द सितंबर, 1st सितंबर, 30th सितंबर. रॉ मटेरियल 2,42,000. WIP दिया हुआ है, द फॉर्म इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर अ टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ. कंज्यूमेबल, स्टोर स्पेयर्स, रिसर्च डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल,
पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी है, लीज रेंट, एडमिन, ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स, इन यूनिट्स दिया हुआ है, याद रखना। सुनो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जीरो, निल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,000, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1,00,000 यूनिट्स। आप बताइए क्वांटिटी सोल्ड कैन आई से मुझे बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है, तो कैन आई से वो मेरा फर्स्ट वर्किंग नोट बनेगा। गॉट इट गाइस? डिफेक्टिव आउटपुट विच इज 4% ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन रियलाइजेज ₹61 पर यूनिट। ओके ओके, ये कुछ नया एडजस्टमेंट है इसमें। डिफेक्टिव आउटपुट विच इज 4% ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन रियलाइजेज ₹61, क्या होता है मैं इसका मतलब बताऊंगा, डोंट वरी। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पता है, एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस, पता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस अमाउंट टू 78,26,000। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट इज 110 पर यूनिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटीरियल परचेस्ड, प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग द प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म। सो कैन आई से इसमें भी कहीं ना कहीं रिवर्स कॉस्ट शीट का एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि पहुंचना आपको टॉप वाले पे वैल्यू ऑफ मटीरियल परचेस्ड। मैं ये सम को स्टार्ट करने की सोचू उसके पहले मैं चाहूंगा प्लीज आप लोग एटलीस्ट दो बार इस क्वेश्चन को रीड कर लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ भाई, चल लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चीज अपन लोग क्या बनाते हैं, आप लोगों को मुझे बताना है। सबसे पहले अपन लोग क्या बनाते हैं, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अपने को दिया हुआ है, तो अपन लोग इस बार कैलकुलेट कर लेंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर यूनिट्स सोल्ड, राइट? अब सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग नोट वन बन जाएगा ये अपना। वी नो दैट ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स सोल्ड, ठीक है? सो अच्छा, ऐसा कर लो। ओपनिंग स्टॉक कितना है नहीं पता है मेरे को, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स, सो ओपनिंग स्टॉक जीरो प्लस
यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड विच इज 95,000 यूनिट्स. ठीक है चल डन. सो so, 95,000 यूनिट्स इज व्हाट अपन सेल करना चाहते हैं. अब आता है यहां पे द मोस्ट क्रूशियल लाइन ऑफ द क्वेश्चन. डिफेक्टिव आउटपुट विच इज 4% ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन. टारगेटेड प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट्स, उसका 4% डिफेक्टिव आउटपुट है. रियलाइजेस ₹61 पर यूनिट. याद है क्रेडिट फॉर रिकवरीज तुम लोग QRACP में करते थे. ये वही है. डिफेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है. रॉ मटेरियल अच्छा आया था, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आया उसमें डिफेक्ट निकला. कस्टमर को तो बेच नहीं सकते, तो बार भंगार वाले को बेच देंगे. भंगार वाला अपने को 61 दे रहा है. अच्छा कितने यूनिट्स है? 4% ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन. समझियो गाइस, आर वी क्लियर? सो 95,000 ये आया ऑफ अबाउ 4% ऑफ टारगेट प्रोडक्शन इज डिफेक्टिव. दैट इज 1 लाख यूनिट्स एट द रेट 4% 4,000 यूनिट्स. ठीक है therefore units to be sold 95,000 units isme se defective units 4,000 units ye kitne mein jayega 61 per unit कितना हो गया 2,44,000 एंड बचा गुड यूनिट्स 91,000 यूनिट्स. कितने में बिकेगा ये? कुछ बोला है? यस, सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट इज 110 पर यूनिट. तो एट द रेट 110 पर यूनिट ये कितना हो जाएगा? 100,000. Done. Okay. This will go in sales and ये जाएगा QRACP के क्रेडिट फॉर सेल ऑफ स्क्रैप में. ए समझू? कैन आई से अब ये सम अपने लिए एकदम इजी हो गया है. वर्किंग नोट एकदम तगड़ा होना चाहिए. जो एडजस्टमेंट है ना उसका वर्किंग नोट अगर ढंग से बना के दे दिया आपने, समझ लो आप क्वेश्चन को जीते. समझ लो आप क्वेश्चन को जीते. समझे क्या? डन. चलो अब आई डोंट थिंक सो आपको मेरी जरूरत है इस सम में. है क्या?
आई डोंट थिंक सो. चलो फिर भी मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए कॉस्ट शीट, डोंट वरी. बट आइडियली अब ये सब आप खुद से कर सकते हैं. चलो तो क्विक फायर में थोड़ा इसको ले लेंगे अभी अपन लोग. सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है. चलो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या आएगा, रॉ मटेरियल सबसे पहले. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 2,42,000. क्लोजिंग स्टॉक 2,92,000. परचेजेस तो पता ही नहीं है, वही तो कैलकुलेट करना है. वी विल गेट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम एट डायरेक्ट लेबर एट डायरेक्ट एक्सपेंस. अच्छा डायरेक्ट लेबर देखो क्या दिया है वो लोग ने, उसमें भी वो लोग ने गेम खेला है. डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. अब मुझे यही नहीं पता है कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, तो मैं डायरेक्ट लेबर कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा. बट ठीक है, लिख देता हूं हाफ इंटू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. डायरेक्ट एक्सपेंसिस का कोई नामो निशान नहीं है, ये मुझे मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है. सो लास्ट सम से और अच्छे लेवल का सम है ये, आगे बढ़ते हैं. इधर तक सब लोग साथ में हो क्या मेरे, ठीक है. सबसे क्रूशियल एडजस्टमेंट्स तो आप लोगों को समझ गया होगा, वो ये वाला था, वो ये वाला था. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट आ गया है मेरे पास. अब मैं क्या ऐड करूंगा इसमें, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करूंगा. चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए कुछ इन्फो है, देखते हैं. आइए देखते हैं. हाँ, सबसे पहला कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑफ फैक्ट्री कहां पे जाएगा ये, बोलो बोलो टेल टेल कहां पे जाएगा ये. करेक्ट, कैन आई से ये फैक्ट्री में जाएगा. ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट QRACP में. ओके, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट QRACP में. ओके, पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में. ओके, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट 2,00,000, बोलो ये कहां पे जाएगा. लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, इसका मतलब मैं बता दूं, ये बेसिकली है मशीनरी. मशीनरी का डेप्रिसिएशन, मशीनरी का रेंट सब कहां पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में. प्रोडक्शन एसेट का मतलब मशीनरी, लीज रेंट मतलब कुछ नहीं, रेंट ऑफ मशीनरी. तो रेंट ऑफ मशीनरी कहां पे जाना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाना है. समझ में आया. सो दो बातें मुझे दिख रही है जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाने वाली है, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड दूसरा लीज रेंट ऑन प्रोडक्शन एसेट. समझे एवरीवन. चलो आ जाओ लिखते हैं. कंज्यूमेबल स्टोर्स 3,50,000, लीज रेंट ऑन प्रोडक्शन एसेट. Done? चलो प्राइम कॉस्ट कितना आया है मुझे नहीं पता है, बट ये आ गया मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. इसमें क्या करते हैं अपन लोग, एड ओपनिंग स्टॉक WIP का लेस क्लोजिंग स्टॉक WIP का. ओपनिंग स्टॉक WIP का 2,00,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,00,000. डन.
क्या मिल जाएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है? ओके, इसमें एड क्यू आर ए सी पी, क्यू क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, चलो कितना है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, जो जो हो गया उसको टिक मारते जाना भैया। हाँ, और रिसर्च एंड 2,50,000 एंड 2 लाख, सो 2 लाख रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2,50,000 ऐड करके बन जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? डन, चल नेक्स्ट। फिर और क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, आ गया मतलब अपना जितना हो रहा है उतने में अपन ने लिख दिया भाई। हाँ, फिर क्या कर रहे हैं अपन लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चलो आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब आ गया है, बधाई हो। ऐड ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, कुछ दिया हुआ है क्या? देखो जरा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है नील बट्टा सन्नाटे। ओ, मिस हो गया मेरे से, मिस हो गया मेरे से। थैंक यू सो मच, जो इतना मस्त एडजस्टमेंट किया था उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ध्यान रखना। देखो कैसे, आपके पास तो बुक होगा, बुक और पेज, तो उसमें तो आपको वर्किंग नोट में दिख जाएगा, मुझे ये दिखा ही नहीं तो मिस हो गया, बट लिखना है, डेफिनेटली लिखना है। क्रेडिट फॉर रिकवरीज, यस आई विल राइट डाउन, वेट इधर ही कर लेते हैं। लेस क्रेडिट फॉर सेल ऑफ स्क्रैप, टू फोर्टी फोर, ये करने के बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चल कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 0, निलबट्टा सन्नाटे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देखते हैं कितना आता है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस, वो तो हमारे को पता है, बट पता ही नहीं चल रहा ना कि कितना आ रहा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है कितने, 5,000 यूनिट्स। एट द रेट वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बोलो क्या आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन अमाउंट्स टू 78,26,000। हाँ, अब सुनो, मुझे नहीं पता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बट अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नील है, देन मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो इधर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिख रहा है ना, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 10 लाख, ठीक है, एंड समझो ये आपका आ रहा है ₹100 पर यूनिट। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बिकॉज आपका इधर नील है, लेस अपन करते हैं से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है?
ये हो जाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब आप जो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेना है, ले लो से 5000 यूनिट्स, से 5000 यूनिट्स। तो अगर आपने 5000 यूनिट्स लिया तो कितना आ जाएगा, 5000 यूनिट्स इंटू 100 पर यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो ये आ जाएगा आपका 100 पर यूनिट। तो 5000 इंटू 100 ये आ जाता है आपका रुपीज 5 लाख, ठीक है। और ये 5 लाख अब इधर मैं माइनस करता हूं तो क्या आ जाता है, ये 95 लाख, कितना आ जाता है 95 लाख। अब आप समझो यहां पे पर यूनिट था 100, यहां पे भी पर यूनिट मैंने तो 100 के ऊपर ही वैल्यू किया है, तो इसका जो पर यूनिट आएगा ना दैट विल ऑल्सो बी 100 ओनली, तो वो ही यहां पे मेरा इधर रिफ्लेक्ट होगा, एंड दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। समझे क्या? नहीं समझे, मैं बताता हूं एग्जाम्पल के थ्रू, यही एग्जाम्पल के थ्रू। देखो मेरा अब यहां पे ओपनिंग स्टॉक 0, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अपने केस में ले लो ना 1 लाख, 1 लाख अपना ये वाला एग्जाम्पल में यूनिट प्रोड्यूस, भाई ये अगर 10 लाख है और ये 100 है तो यूनिट प्रोड्यूस 1 लाख होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ले लो 5000 जो क्वेश्चन में है वही, तो अपना यूनिट सोल्ड 95000 यूनिट्स आएगा, 95 लाख डिवाइड बाय 95000 यूनिट्स, ये एग्जांपल को कंटिन्यू कर, 95 लाख का मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया डिवाइड बाय यूनिट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करता हूं, सो 95 लाख डिवाइड बाय 95000 यूनिट्स करता हूं तो इधर 100 पर यूनिट ही आएगा। यानी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निल है तो COGS पर यूनिट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हुआ है 100 पे, यहां पे भी COGS पर यूनिट आया है 100। नहीं समझे कि समझे? और एक एग्जांपल देता हूं, आओ और एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल्स की कमी नहीं है जब तक तुम समझोगे नहीं। आओ और एक एग्जांपल देता हूं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इसी को थोड़ा सिस्टमैटिकली लिख लेते हैं, ठीक है। 1 लाख यूनिट्स सब लोग लिख रहे हैं क्लियर, बट फिर भी मुझे देना है एग्जांपल, नहीं मुझे देना है फिर भी। ओपनिंग स्टॉक 0, यूनिट्स सोल्ड से 90,000 यूनिट्स, आप बताओ मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, कैन आई से 10,000 यूनिट्स एज अ बैलेंसिंग फिगर, 10,000 यूनिट्स एज अ बैलेंसिंग फिगर, बराबर है? बराबर है। अब देखो ठीक है, अब देखो सपोज इधर मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80 लैक्स, ठीक है। आप मुझे बताओ पर यूनिट कितना आएगा, 80 लैक्स डिवाइड बाय 1 लाख यूनिट्स ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 80 पर यूनिट, एड ओपनिंग स्टॉक FG लेस क्लोजिंग स्टॉक FG, अपने को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डन। अब देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है डैश, राइट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट 80 पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 10,000 इंटू 80 पर यूनिट, कैन आई से 8 लैक्स, 8 लैक्स इधर माइनस किया तो ये आ गया 72 लैक्स। ठीक है, अब टोटल यूनिट सोल्ड कितना है 90,000, तो 72 लाख डिवाइड बाय 90,000 यूनिट्स, बोलो कितना आता है,
एट्टी, बराबर है, ये भी 80 आया डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो सेल से डिवाइड करते हैं, ये भी इधर 80 है, तो कहने का मतलब क्या है, दैट अगर ओपनिंग स्टॉक निल है देन इन दैट केस क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट, समझ में आया। एंड अब इसका मैं लिखवाऊंगा एक स्टूडेंट नोट, वर्किंग नोट टू या थ्री या जो भी है, व्हेनेवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज निल। अब समझ में आया क्यों मैं इतना स्टूडेंट नोट्स लिखवा रहा हूं, बिकॉज अब सोचो एग्जाम के टाइम पे ये क्वेश्चन आया और ये वाला नोट आप भूल गए, अब एग्जाम के टाइम तक थोड़ी ना आप सारे क्वेश्चन करके जाओगे, बट एटलीस्ट नोट पड़ा हुआ होगा, क्लिक हो जाएगा, व्हेनेवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स फिनिश गुड्स इज निल, क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट ऑफ एफ जी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट, समझे। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 78.26, एक वर्किंग नोट थ्री का रेफरेंस दे देना जो भी है जहां पे अपन ने लिखा है, और यहां पे अभी अपन लोग पर यूनिट कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 78,26,000। अच्छा अच्छा अभी इधर देखो, इधर दो दो यूनिट्स दे सेल्स के दिख रहे हैं, 95 लू या 91 लू, ऑब्वियसली 91 क्योंकि बेचूंगा कौन से, जो अच्छे है वही बेचूंगा ना, जो ये 4000 है वो तो उड़ गए, वो तो यहाँ पे जो 4000 थे वो तो यहाँ पे उड़ गए, तो अब बचे मेरे पास 91,000 यूनिट्स ही है, समझे क्या। 86 पर यूनिट, समझ गए, 4,30,000। ये एक नोट की वजह से पूरा सम बदल जाएगा, समझ में आया गाइस सबको लॉजिकली, ठीक है। तो कभी भी कोई चीज लॉजिकली अटको ना, मेरा एक ही तरीका है, मैं आपको उसको एग्जांपल से कनेक्ट करवा दूंगा, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो अब फटाफट सम को सॉल्व करते हैं, चलो ऐड जनरल एडमिन, कितना है जनरल एडमिन देखो, 224 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एड जनरल एडमिन कितना है 224 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 413, क्या बचेगा मेरे पास, अच्छा और एक भी है ना सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट, हाँ इसको भी ले लो, पर यूनिट सोल्ड कितना 2 रुपया, ऐड सेकेंडरी पैकेजिंग कितना 2 पर यूनिट सोल्ड, कितना यूनिट्स बेचा है, कितना यूनिट्स बेचा है, 91,000 × 2, डन। क्या मिल जाएगा मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो 78.26, 224, 413, 182, 86,45,000। और मेरे पास सेल्स का फिगर तो है ही, एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स 86,45,
सेल्स कितना है? 100000 प्रॉफिट मिल जाएगा, कितना? 1465। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने कहा है सही ही होगा। अब जाते जाओ पीछे, ये माइनस हुआ है तो ऐड हो जाएगा, तो 78 लाख लास्ट टाइम के जैसा। कम ऑन, 78,26,000 प्लस 4,30,000, 82,56,000। ऊपर गया मैं, ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, 82,56,000 और ऊपर जाएंगे, जो लेस है उसको ऐड करेंगे, 244 लेस 450, 80,50,000 नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और ऊपर जाएंगे, जो लेस है उसको ऐड करेंगे, ₹78 लाख प्राइम कॉस्ट। डन। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आता है सी आइडियल, ये सम कितना अब मैनेजेबल हो जाता था, बट यहां पे भी इन्होंने कहानी में ट्विस्ट डाल दिया। कोई बता पाएगा कैसे सॉल्व होगा ये? कोई बता पाएगा कैसे सॉल्व होगा ये कहानी में ट्विस्ट? बहुत इजी वे है, लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बी एक्स, तो ये हो जाएगा 0.5x, राइट? चलो आओ इसको आगे सॉल्व करता हूं मैं, इसके लिए भी एक वर्किंग नोट बनाता हूं। लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बी एक्स, ठीक है। सो देयरफॉर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विल बी 50% ऑफ एक्स, दैट इज 0.5x। देयरफॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के बनता है 1.5x, बराबर कि नहीं? बट प्राइम कॉस्ट तो आ गया हमारा, कितना प्राइम कॉस्ट तो आ गया है 78 लाख, हो गया अपना काम। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू 1.5x इज इक्वल टू 78 लाख, x इज इक्वल टू 52 लाख, एंड डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 26 लाख। वाओ, व्हाट एन एडजस्टमेंट। ₹26,52,00,000 एंड गो बैकवर्ड। ₹52,50,000 आ जाएगा आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ₹52,50,000। गॉट इट, प्लीज।
चलो डन, टुडेज होमवर्क। बड़ी घाई है तुम्हारे को सर वो 86। हाँ ये देखना, ये समझ लेना प्लीज गाइस, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। ये देखो इसका वर्किंग नोट ये रहा, वो जो मैंने बोला था ना सीओपी पर यूनिट इज इक्वल टू सीओजीएस पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क। आज अभी अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया, रुको अभी जा नहीं रहे भाई, है अपन इधर ही। क्वेश्चन 5 किया, क्वेश्चन 4 किया, क्वेश्चन 8 किया। ओ 5 4 8, होमवर्क क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 10। ये नोट्स अभी ऑन द स्पॉट हो जाएंगे, विद इन 2 मिनट्स हो जाएंगे। चलो इतना क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें? ओके चलो भाई, डन एंड डस्टेड फॉर टुडे। यस मैं आप लोग के साथ ही अपलोड कर देता हूं अभी के अभी, डोंट वरी एट ऑल। यस सो नोट्स अपलोड हो गया है। चलो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है? चलो कीप स्माइलिंग, टेक केयर, सी यू ऑल। यस। यस गाइस, यस शुभम, यस साक्षी।